विस्तार होगा, ये बिल्कुल प्रत्याशित था। अच्छा। और हम लोग शुरू दिन से कहते रहे कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, बहुमत से ज्यादा हमारे पास विधायक हैं। मंत्री सारे वही रहेंगे या बदलेंगे इस बार? अब ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जैसा निर्णय चाहेंगे वैसा करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो बना रहे हैं वो अपने आप से, हेमंत सोरेन जी आए थे, उनकी सलाह, कुछ सलाह दी हेमंत जी ने आज? उनकी सलाह तो उनको लेना ही चाहिए था। हाँ। और लिए भी होंगे, पूरा विश्वास है। जो भी मंत्रिमंडल बनाएंगे हेमंत जी की सलाह से बनाएंगे ना? निश्चित रूप से। तो मुझे एक बात ये बताइए, कोई डिप्टी सीएम भी रहेगा, आपको क्या लग रहा है? संभावना ऐसी है, सूचना है हम लोगों को भी। हाँ। और हो सकता है इसमें डिप्टी सीएम बने बसंत सोरेन, नाम तो अभी तक उनका रहा है, उन्हीं का नाम आ रहा है। आप भी चाहेंगे? जरूर। और आप भी मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल बना था उस समय मैंने नहीं कुछ कहा था, और आज भी मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। बसंत सोरेन की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, उन्होंने सबसे बेहतर काम क्या किया है जो उनका नाम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने क्या फायदा किया है पार्टी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोरेन परिवार झारखंड का आंदोलनकारी परिवार रहा है, और आज अगर झारखंड इस जगह पर खड़ा है तो हम कहेंगे कि इसमें दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का बहुत अहम रोल रहा है, और उसको आगे बढ़ाने का काम किया हेमंत जी ने। तो उस परिवार से होने के नाते, चूंकि अब कोई मेल मेंबर झारखंड में यहाँ पर नहीं है, तो उस समय उस परिवार से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि उस परिवार का सम्मान भी रहे। तो बताओ, डिप्टी सीएम रहेंगे तो परिवार का सम्मान भी रहेगा? और निश्चित रूप से। और झारखंड का विकास भी होगा? देखिए, जो संकल्प हेमंत जी का रहा है, जिस प्रकार के कार्यों को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, उस काम को बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन परिवार का कोई ना कोई आदमी जरूर रहना चाहिए सरकार में, ताकि सबका मनोबल बना रहे। शुक्रिया बात करने के लिए। बैजनाथ जी हैं बताते हुए कि क्या है, किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, और मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर के भी कुछ अहम बातें कह रहे हैं। कैमरा हरिराम के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रांची।